टाउटे ने कैसे तांडव मचाया है उसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी है। चक्रवाती तूफान टाउटे की सबसे ज्यादा मार समंदर किनारे रहने वाले मछुआरों पर पड़ी है। मुंबई मड बीच इलाके में तूफानी हवाओं की चपेट में आने से मछुआरों की नावें टूट गई। कई नाव समंदर की तेज लहरों से टकराकर टूटी। इतना ही नहीं, कई मछुआरों के मकान भी तूफान की चपेट में आने से धराशायी हो गए। ये वो नावें हैं जो इनके जीवन यापन का जरिया हैं। लेकिन टाउटे तूफान ने इन्हें भी नहीं बख्शा। टाउटे तूफान आया, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी तो कई नावें उससे टकराकर टूट गई। कई मकान भी समंदर किनारे बसे मछुआरों के धराशायी हो गए। सबसे बड़ी आफत टाउटे तूफान की इन गरीब मछुआरों पर आई है, क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी का जरिया हुआ करते थे। लेकिन ऐसी कई नावें बर्बाद हुई और किस तरह का आलम है वो ये खुद बयां कर रहे हैं। हमने जो है सारे लोगों को जो है उनको आदेश दे दिए थे और उनको किनारे पे ले आए थे। उनको देख सकते हैं आप कि ये किनारे पे आने के बाद हवा इतनी जोरदार थी कि ये बोट आपस में टकराई और आपस में टकरा के इनका नुकसान हुआ और सारी बोटें किनारे पे आ गई थी। जो अंदर पैसेंजर्स बोट थी उसके लिए सरकार ने जो है कोस्टल गार्ड की मदद ली है, आर्मी की, नेवी की मदद ली है और उनके जरिए जो है उनको बचाने का काम शुरू है। इसके अलावा ये तूफान इतना भयंकर था, इसकी जो रफ्तार थी इतनी भयंकर थी, कई लोगों के घर भी जो है वो महाराष्ट्र में उद्ध्वस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। उन सबको भी जो है सरकार अपनी तरफ से भरपाई देगी। चक्रवात के प्रकोप की मार सबसे ज्यादा समंदर के किनारे रहने वाले मछुआरों ने झेली है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि चक्रवात की वजह से कई जो मछुआरों की बोट थी वो अचानक ही समंदर में बह गई थी। किसी तरह से किनारे लाया गया लेकिन पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त है, जिसके बाद इन्हें बाहर निकाला जा रहा है कि इनकी मरम्मत किसी तरह से की जाए। लेकिन किनारों का हाल इससे भी बदतर है। यहाँ पर देखें, ये हाल आपको दिखाई पड़ेगा कि ये मछुआरों की बोट है, टूटकर टुकड़े हो चुकी है। चक्रवात जब आया उसकी तेज हवाएं चली, उसके चलते कहीं ना कहीं ये बोट्स जो है वो चपेट में आई और इसके बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर जो है टूट चुकी हैं। ये हाल केवल इसी का नहीं, किनारे पर और भी जो बोट्स हैं उनका हाल भी आपको इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। ये बोट्स भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। किनारे पर सबसे ज़्यादा मार जब चक्रवात आया, इस दौरान जो तेज़ हवाएं चली उसके थपेड़ों से ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट चुकी हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान मछुआरों को ही हुआ है। हालांकि जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से कहा गया है, राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है कि मछुआरों के लिए किया जाएगा, लेकिन स्थिति समंदर में अभी भी गंभीर ही बनी हुई है, क्योंकि कई जो मछुआरों की बोटें थी वो लौटी नहीं है, साथ ही साथ उनकी तलाश जारी है। इसके अलावा जो बोट्स हैं यहाँ पर मौजूद वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वर्सोवा मड आइलैंड के पास ऐसे कई मछुआरे बड़ी तादाद में रहते हैं और ये नावें ही उनके जीविकोपार्जन का एक बड़ा माध्यम, इकलौता साधन भी। आशीष हमारे सहयोगी ऐसे ही समुद्री किनारे पर मौजूद हैं। आशीष, जब आपकी मछुआरों से बात हो रही है, क्या और किस तरह से वो अपना दुख दर्द बयां करते नजर आए हैं? प्रशांत, तकलीफें इनकी ज्यादा हैं क्योंकि रोजी रोटी का जरिया जो है वो बोटें ही हैं और ऐसे में वो बोटों का टूट जाना कहीं ना कहीं उनके जो कमाई का जरिया है उसके ऊपर सबसे बड़ा आघात करता है। अभी भी देखें तो समंदर में आपको ये मड़ का ही इलाका है और मड़ पे ही आपको दिखाई पड़ेगा कि जो टक करके बोटें लाई जा रही हैं वो भी अभी भी थपेड़ों के बीच फंसी हुई हैं, क्योंकि हाई टाइड के बाद जो पानी बढ़ा हुआ है उसकी वजह से अभी तक किनारे पे ला पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाया, जबकि कई बोटें वो क्षतिग्रस्त स्थिति में है। चक्रवात आया, चक्रवात के बाद जो स्थिति है वो ये देखिए, दो हिस्सों में बटे हुए ये बोट्स, इसी तरह की स्थिति बनी हुई है जिसमें उनका सब कुछ जा चुका है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि उन्हें इसकी भरपाई की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के दौर में तो उनके लिए मुसीबतें ही मुंह खोले खड़ी हुई हैं और सबसे बड़ी बात उनके घर भी उड़ चुके हैं, लिहाजा परेशानियां उनके सामने ज्यादा हैं। कईयों के आंखों में आंसू थे और कई लोग तकलीफ में भी थे। बिल्कुल, जो चक्रवात आया, चक्रवात ने कई सबसे ज्यादा मार अगर देखी जाए तो समुद्र किनारे रहने वाले इन मछुआरों के ही ऊपर पड़ी है और ये समझा जा सकता है, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सिर्फ
मुंबई में ही और महाराष्ट्र में ही इस तरह की दिक्कत टाउटे से आई हो, ऐसा नहीं है। कुछ